हे एवरीवन, वेलकम टू बैली जीएटीज। लगभग 24 घंटे पहले मैंने आप सभी के लिए एक फिजिक्स स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड करी थी, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से फिजिक्स के सिलेबस को आप लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं और ग्रुप्स में डिवाइड करते हुए इंटरलिंक्ड चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, ताकि आपका सिलेबस टाइम पर कवर भी हो जाए और आप टाइम से रिविजन भी कर सके। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, आपकी फिजिक्स की प्रेपरेशन में खूब अच्छे से मदद हो जाएगी। उस वीडियो का कॉमेंट सेक्शन अगर आप चेक करो तो उस कॉमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा कॉमेंट सिर्फ यही कहते हुए कि दी प्लीज केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी सेम वीडियो अपलोड करें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का 60 डेज का प्लान बताने वाली हूं कि किस तरीके से आपको केमिस्ट्री के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और हर एक ग्रुप में हम ऐसे चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे जिन्हें पढ़ते हुए फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों का पोर्शन भी कवर हो और हमारा टाइम पर सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों कि आप लोग इस वीडियो को एकदम फास्ट फॉरवर्ड करते हुए डायरेक्टली उस ग्रुप को ढूंढने के पीछे ना पड़े। एक बार प्लीज सुन ले कि मैंने किस बेसिस पर केमिस्ट्री के सिलेबस में चैप्टर्स को सेग्रीगेट किया है। सबसे पहली चीज बच्चों, देखो केमिस्ट्री में हम लोग इंटरलिंक्ड या फिर इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स को नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि जो केमिस्ट्री है इसमें तीन ही सेक्शंस होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ग्रुप बनेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स का अलग ग्रुप बनेगा और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स का अलग ग्रुप बनेगा। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि पहले हम सारे फिजिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स कर लेंगे फिर ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक पे जंप करेंगे, जो कि मुझे लगता है एक बिल्कुल गलत है। आप लोगों की ग्रुपिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपके एक ग्रुप में एक ऑर्गेनिक का चैप्टर आए, एक इनऑर्गेनिक का आए, फिर एक फिजिकल का आए, ताकि तीनों सेक्शन साथ साथ प्रिपेयर हो सके। तो पहला फैक्टर जिसके बेसिस पर मैंने आपके केमिस्ट्री के सिलेबस को सेग्रीगेट किया है, हर एक ग्रुप में आप लोगों को एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक और एक मिसलेनियस चैप्टर मिलेगा। दूसरा फैक्टर जो कि केमिस्ट्री प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर क्लास 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। तो मेरी जो ग्रुपिंग हो रखी है वो कुछ इस तरीके से हो रखी है कि पहले हम क्लास 12th की ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक नहीं करेंगे, पहले हम जनरल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे। अब आपका बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लूंगी, चलिए शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों की केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस को 8 ग्रुप्स में डिवाइड करा हुआ है। आपकी ग्रुप 1 में सबसे पहले आती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों, तो इसमें आप इस सीक्वेंस से पढ़ाई करिएगा। पहले आप नॉमेनक्लेचर वाला सेक्शन करिएगा, फिर आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ इस सीक्वेंस में आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मेरे हिसाब से इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले कंसेप्ट को समझने के लिए आप लोगों को 7 दिन लग सकते हैं। अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी को मार्च से फॉलो करने वाले हैं तो आप प्लस 3 डेज लेकर चल सकते हैं कि 10 दिन में मेरा ये सेक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को नीट एग्जाम से ठीक 60 डेज पहले देख रहे हैं तो जितना ड्यूरेशन मैंने आप लोगों को बताया है उस ड्यूरेशन को डेडलाइन रखते हुए ही इन चैप्टर्स को टाइम पर कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ इस सीक्वेंस में पढ़ना है, 7 दिन आपको इसको लगने चाहिए। सेकंड ग्रुप में आता है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंडर आप लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिसिटी एंड केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप लोगों को लग रहा है कि स्क्रीन में जो लिखा हुआ है आपको ढंग से दिख नहीं पा रहा है, आप नोट नहीं कर पा रहे हो, फिकर मत करना, मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट ईस पर अगले 24 घंटे के अंदर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चैनल ज्वाइन करिए, फिजिक्स स्ट्रेटजी की पीडीएफ भी वहां पर अपलोडेड है, ठीक है। तो आप लोगों की शुरुआत के 7 डेज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट 5 डेज आपकी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। आपका जो थर्ड ग्रुप है बच्चों, इसके अंडर है स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट्स, हाइड्रोकार्बन, ग्रुप 1 एंड 2 ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और 5th चैप्टर आपका आएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये पूरे चैप्टर्स आपके 6 डेज के अंडर हो जाने चाहिए। वापस बता रही हूं, अगर आप इस स्ट्रेटजी को मार्च मंथ से फॉलो करने वाले हैं तो प्लस 3 का बोनस लेते हुए आप चल सकते हैं कि 9 डेज में आप लोग ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पर जंप करने से पहले कुछ रूल है भैया, जैसे कि आपने स्टेट्स ऑफ मैटर, एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक, यूट्यूब वीडियोस की हेल्प से पढ़ा, जब चैप्टर हो गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, हर एक चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस करिए। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस करते हुए जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उसे स्टार मार्क करिए, वो पर्टिकुलर स्टार मार्क्ड क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है उस टॉपिक को भी स्टार मार्क करिए। फिर उस टॉपिक को जब आप अच्छे से समझ जाएंगे, आपके प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से हो जाएंगे, उसी के बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पर जंप करेंगे। इसी तरीके से जब सारे स्टार मार्क टॉपिक्स और सारे स्टार मार्क क्वेश्चंस आपके हर एक चैप्टर से बन जाएंगे, उन स्टार मार्क क्वेश्चंस और टॉपिक्स का रिवीजन भी हो जाएगा, तभी आप लोग नेक्स्ट ग्रुप पर जंप करेंगे। तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर जंप करने से पहले मेक श्योर कि आपके उस ग्रुप में दिए हुए सारे चैप्टर्स के स्टार मार्क क्वेश्चंस और स्टार मार्क टॉपिक्स का रिवीजन भी हो चुका है, ठीक है जी। आपका 4th ग्रुप 8 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री,
थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री की, एक ही चैप्टर है बच्चों आपका थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन इसको आप दो चैप्टर लेते हुए पढ़ेंगे, यानी कि एक बार आप कंप्लीट फोकस देंगे थर्मोडायनेमिक्स वाले सेक्शन पे और दूसरी बार जो एंथैल्पी वाला सेक्शन है थर्मोकेमिस्ट्री के अंडर जो आता है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और लास्ट में आता है ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो आपका फिफ्थ ग्रुप होने वाला है। 9 डेज के अंडर ये कवर होगा बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, ग्रुप 15 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ध्यान रखना, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि पी ब्लॉक एलिमेंट पूरा का पूरा चैप्टर एक ही ग्रुप के अंडर पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं, फिर बोरिंग हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आप लोग चीजें भूलते चले जाओगे। मैंने क्या किया है, आपके पी ब्लॉक के ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 आप इस ग्रुप के अंडर पढ़ेंगे, ग्रुप 15 को आप लोग फिफ्थ ग्रुप के अंडर पढ़ेंगे, ग्रुप 16 को आप लोग सिक्स्थ ग्रुप के अंडर पढ़ेंगे। तो पी ब्लॉक आप लोग डिवाइड करते हुए पढ़ रहे हैं, एक ही दिन या दो दिन में कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आपने ग्रुपिंग कर दी है कि पी ब्लॉक के भी मैं कुछ सब टॉपिक्स इस वाले ग्रुप के अंडर पढ़ने वाला हूँ, कुछ सब टॉपिक्स अलग ग्रुप के अंडर पढ़ने वाला हूँ। ठीक है जी, जब आपका 9 डेज का फिफ्थ ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, सिक्स ग्रुप आपका 8 डेज के अंडर कंप्लीट हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ग्रुप 16 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बायोमोलिक्यूल्स, आपके 7th ग्रुप में आते हैं, 9 डेज में आपके चैप्टर्स हो जाने चाहिए, डी ब्लॉक, ग्रुप 17 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हाइड्रोजन, मेटलर्जी एंड पॉलीमर्स, लास्ट ग्रुप 8th ग्रुप जो कि आपका 8 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, एफ ब्लॉक, ग्रुप 18 ऑफ पी ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, अमीन्स एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। ये पूरी पीडीएफ मैं अगले 24 घंटे के अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर आपको प्रोवाइड करा दूंगी। 1 मार्च से पहले अगर आप इस वीडियो को देख चुके हैं तो 1 मार्च से ये स्केड्यूल फॉलो करते हुए आप लोग अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका नीट का एग्जाम जून एंड या फिर जुलाई में भी होता है बच्चों, आपके पास बहुत टाइम होगा, आपकी केमिस्ट्री 60 दिन में हो चुकी होगी, तो आप लोग इसी ग्रुप की सेकेंड साइकिल चला सकते हैं। पहली साइकिल 60 दिन में कंप्लीट हुई, जब सेकेंड साइकिल चलाएंगे तो 60 दिन थोड़ी ना लगेंगे आप चैप्टर शो करने में, एक तरीके से रिविजन हो रहा होगा तो कम ही टाइम लगेगा, 45-50 डेज लगेंगे और इतना टाइम आपके पास होगा केमिस्ट्री की तैयारी के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, केमिस्ट्री की मिस्ट्री सॉल्व हो गई, केमिस्ट्री की मिस्ट्री सॉल्व हो गई, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। किसी सब्जेक्ट से डरो मत, उस डर का डटकर सामना करो, तुम्हें उस सब्जेक्ट को डराना है कि मेरी प्रिपरेशन तुम्हारी डिफिकल्टी से ज्यादा स्ट्रांग है। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, केमिस्ट्री की मिस्ट्री सॉल्व हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।